Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो नमस्कार, वेलकम टू टेस्टबुक। आज हम यहाँ पे क्यों चुने हैं, डिस्कस क्यों यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे टेस्टबुक की जितनी भी फैकल्टीज़ हैं ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं कि आप डिस्कस यूज़ करें। ऐसा क्यों, अभी हम देखेंगे कि डिस्कस को क्यों यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए। डिस्कस के फ़ायदे भी देखेंगे, हम देखेंगे डिस्कस यूज़ करने से हमें कितने ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, कितनी सारी चीज़ें हम डिस्कस में कर सकते हैं। तो आइए पहले ये समझते हैं कि डिस्कस को यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमने testbook.com खोला है एंड देन उसके बाद हमने ऊपर में ही देखा लर्निंग कॉर्नर। अब लर्निंग कॉर्नर को आपने खोला, ड्रॉप डाउन बॉक्स आया, उसमें आप डाउट्स एंड डिस्कशंस देख रहे हैं। आपने डाउट्स एंड डिस्कशंस पे क्लिक किया, आप डिस्कस के पेज पे पहुंच चुके हैं। नाउ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है स्टार्ट डिस्कशन, उसके बाद ऑल डिस्कशंस, टैग्स। अब टैग्स के नीचे देखिए लिखा हुआ है इंश्योरेंस, RBI, बैंक PO। तो ये डिफरेंट टाइप्स के टैग्स हैं जिसमें आप एग्ज़ाम को चूज़ कर सकते हैं, जिस टाइप का आपको क्वेश्चन डालना है, जिस एग्ज़ाम ओरिएंटेड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर आप जाके वो डिस्कशन देख सकते हैं। एंड प्लस अगर आपको ये देखना है कि आपको कोई क्वेश्चन पोस्ट करना है तो उन सब टैग्स को चूज़ कर सकते हैं। अब आगे नीचे बढ़ते हैं तो SSC CGL भी है, टॉक विद एक्सपर्ट भी है एंड टॉक विद टॉपर भी है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं और आप चाहते हैं तो आप टॉपर से भी बात कर सकते हैं। टॉपर्स अपनी जितने भी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, ये सब पोस्ट करते रहते हैं एंड फैकल्टीज़ भी, जो भी एक्सपर्ट में फैकल्टीज़ आती हैं तो फैकल्टीज़ भी अपनी क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस का आप रिप्लाई कर सकते हैं। उनसे उसी में रिप्लाई में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, तो आप फैकल्टीज़ से भी डे टू डे बेसिस पे बात कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। जैसे ही हमने ओपन किया स्टार्ट डिस्कशन, स्टार्ट डिस्कशन में देखिए नीचे आ रहा है चूज टैग, तो आपने चूज टैग पे क्लिक किया, आपको डिफरेंट टैग्स मिल रहे हैं। लेट्स से आपको बैंक PO की तैयारी करनी है तो आपने बैंक PO का टैग चूज़ कर लिया। अब नाउ बैंक PO के अंदर देखिए IBPS PO आ रहा है, JNK PO आ रहा है, SBI PO आ रहा है, तो आप इन एग्जामिनेशन में लेट्स जस्ट से आपको SBI PO की प्रिपरेशन करनी है, आपने SBI PO चूज़ कर लिया। उसके बाद SBI PO चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन ओके करके पोस्ट कर सकते हैं, आपने ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, डिस्कस का टाइटल डाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन है मेरा मिक्सचर एंड एलिगेशन, यहाँ पे आप मिक्सचर एंड एलिगेशन लिख सकते हैं और राइट पोस्ट में आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आप क्वेश्चन पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, टाइप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें पावर में रहती हैं, अपॉन में रहती हैं, डिग्री रहती है उनकी, तो उन क्वेश्चन को पोस्ट करने के लिए आप उसकी फोटोग्राफ डाल सकते हैं यहाँ अटैचमेंट में। जैसे आपने क्लिक किया देखिए यहाँ पे साइड में एक अटैचमेंट का बॉक्स है, तो उस अटैचमेंट को अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं फोटोग्राफ्स को। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे अभी आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, आप किसी भी थ्रेड के अंदर जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप SSC CGL के अंदर चले गए, अब देखिए आपको बहुत सारे डिस्कशंस दिख रहे होंगे इसके अंदर, जैसे ए कंप्लीटेड 7x10 वर्क इन 15 डेज, तो ऐसा किसी ने पोस्ट किया है, क्वेश्चन पोस्ट किया है, तो आपने उस पोस्ट को खोला, उसके नीचे देख सकते हैं क्या बच्चों ने रिप्लाई किया है, क्या क्वेश्चन है, कैसे ट्रिक से रिप्लाई किया है, क्या ट्रिक लगी है, कोई ट्रिक आप लगा सकते हैं, आपको कोई मेथड पता है तो आप उसमें रिप्लाई भी कर सकते हैं। एंड प्लस यहाँ पे @ टाइप करके आप फैकल्टीज़ को भी टैग कर सकते हैं। आप चाहते हैं यहाँ पे फैकल्टीज़ को टैग करना तो आप यहाँ पे @ उत्कर्ष लिख सकते हैं, जिससे आप फैकल्टीज़ को, देखिए उत्कर्ष गौरव 0 आ गया ना, ये मेरी ID है, आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन है सर, इसमें ये मेरा मेथड है, क्या ये मेथड सही है, तो आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि आप डिस्कशंस के अंदर जा सकते हैं, इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टॉक विद एक्सपर्ट्स भी है, नीचे गए आप टॉक विद एक्सपर्ट के अंदर गए, आपने ओपन किया, फैकल्टीज़ देखे सारी हैं, अभिजीत मिश्रा सर हैं, नितिन मिश्रा सर हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं जो अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं डे टू डे बेसिस पे, तो आप उन क्वेश्चंस का भी रिप्लाई कर सकते हैं और उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं कि सर क्या मेरी अप्रोच अभी तक सही थी या इससे कोई शॉर्टर अप्रोच है आपके पास में, तो आप डे टू डे बेसिस पे फैकल्टीज से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डिस्कस क्यों यूज़ करना चाहिए। सर आपने तरीका तो बता दिया मुझे डिस्कस यूज़ करने का, लेकिन क्यों यूज़ करूँ मैं डिस्कस? व्हाट्सएप भी तो है, व्हाट्सएप ग्रुप भी तो है। अच्छा एक बात सुनिए, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो उसमें मैक्स टू मैक्स 250 स्टूडेंट्स हो सकते हैं एक ग्रुप में, और वो ग्रुप पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए होगा। आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ का अलग ग्रुप, एसबीआई पीओ का अलग ग्रुप, तो आपको बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ेंगे और उन डेली ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा गार्बेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंटेंट। आपको कोई फोटोग्राफ्स डालता रहता है, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड करता रहता है, कोई वीडियोस फॉरवर्ड करता रहता है, लेकिन यहाँ डिस्कस पे सब बच्चे एक ही मोटिव से, एक ही डायरेक्शन के साथ में प्रिपरेशन करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वहाँ पे आप सिर्फ 250 स्टूडेंट्स को टच कर पा रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्टबुक फैमिली में 50 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं जो कि डेली टेक्स्टबुक वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। 100 प्लस ज़्यादा कोर्सेज हम लॉन्च करते हैं, तो अगर 100 प्लस कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं तो सोचिए कितने स्टूडेंट्स उन कोर्सेज से आपके क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं और आप कितनी बड़ी वाइडर ऑडियंस को टच कर रहे हैं। इससे आपका फ़ायदा क्या है? सिर्फ आप बैंक पीओ के लिए नहीं ओरिएंटेड हैं, आप क्लर्क को भी देख सकते हैं पैटर्न क्या है, आप कैट को भी देख सकते हैं पैटर्न क्या है, आप ये भी देख सकते हैं सीजीएल में पैटर्न क्या आता है, सीपीओ में क्या आता है, आरबीआई में पैटर्न क्या आता है। तो हर चीज़ का आप क्वेश्चन भी देखते जा रहे हैं, पैटर्न भी देखते जा रहे हैं और उन बच्चों से इंट्रैक्शन भी आपका होता जा रहा है, एक वाइडर ऑडियंस से आप टच में हैं। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डिस्कस में और क्या मिलता है? इस डिस्कस में आपको मिलता है, जैसे कि नीचे आप आएंगे, आपको मिलता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग टैग्स दिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आप एलआर का देख सकते हैं, आप क्वांट देख सकते हैं, आप इंग्लिश देख सकते हैं, आप जीके देख सकते हैं। तो लेट्स जस्ट से आपको क्वांट के अंदर आना है, आपने देखा उसमें डेली एसएमईज, स्टूडेंट्स, स्काउट्स सब क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं। उससे फ़ायदा क्या है कि आप वो सब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए लगाते जा रहे हैं और अपना गेम अप करते चले जा रहे हैं। बेटा आजकल के अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपडेटेड रहें और अपना बार को बढ़ाते जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्कस पे आइए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस को यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत बड़ी वाइडर ऑडियंस को टच कर रहे हैं और ज़्यादा स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो ज़्यादा फीडबैक मिल रहा है, आप अपना बार को बार बार ऊपर करते चले जाएंगे। कोई क्वेश्चन आपने पोस्ट किया, किसी बच्चे ने उसका सॉल्यूशन 2 लाइन में दे दिया, आपको सॉल्यूशन आता था 10 लाइन का, तो आप वो 2 लाइन का सॉल्यूशन सीख गए हैं। सोचिए कितना फ़ायदा होगा, आप ये आपका गेम चेंज कर देगा बेटा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एग्जामिनेशन में यही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको कितना आता है, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप उस टाइम पे कितने ट्रिक्स लगा पा रहे हैं, कितने टाइम को आप कम कर पा रहे हैं अपने क्वेश्चन सॉल्विंग को। समझ में आया? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ पे फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस को यूज़ करिए। थैंक यू सो मच।